हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्शन। दोस्तों, ये जो वीडियो देखने जा रहे हो ये हमारी लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग है। जी हाँ, अभी मैं सुबह के 6:30 बजे लाइव क्लासेस ले रहा हूँ श्रीनाथ जी को। डिफरेंट लोकेशन पे है और मैं डिफरेंट लोकेशन में है, तो शुरू करते हैं। देखिए मैं कैसे क्लासेस लेता हूँ, और इस तरह की पूरी सीक्वेंस सीरीज चाहिए तो मेरे ऐप पे आपको मिलेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में ऐप दिया हुआ है, आप डाउनलोड। तो सिनार जी, शुरू करते हैं आज की सेशन। मैं रिकॉर्डिंग की परमिशन दे दी है और मैं भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ताकि इस वीडियो को मैं यूट्यूब पे आपके लिए डाल दूं एज ए रेफरेंस के लिए। तो हम बात कर रहे हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग की। जी हाँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है? देखिए, अभी हमने आपके सामने फॉर्मेटिंग की जो है तो टोटल तीन क्लासेस ली है, जिसमें मैंने बताया कि नॉर्मल फॉर्मेटिंग जो आप यहां से करते हैं वो कैसे करते हैं, नंबर में कस्टम का यूज कैसे करते हैं, राइट। ये जो चीजें थी, ये चीजें थी फॉर्मेटिंग, दो चीज। एक थी कि आप कस्टम फॉर्मेटिंग की बात करें तो सिर्फ करेक्टर पे कलर करता था, मतलब आपके डेटा पे कलर करता था, डेटा को फॉर्मेट करता था, लेकिन उसकी बैकग्राउंड और बाकी चीजों से रिलेटेड फॉर्मेट नहीं करता था। दूसरा, कंडीशन नहीं था, मुझे अपने कंडीशन के हिसाब से कलर करना है, फॉर्मेट करना है, हाईलाइट करना है। जैसे मान लीजिए ना कि जो क्वांटिटी ग्रेटर देन 50 है उसको हाईलाइट करना है। क्यों? क्योंकि 50 से ऊपर वाला सेल को ही हमें ध्यान देना होता है, उससे नीचे नॉर्मल है। तो हम यहाँ से ढूंढेंगे 50 ज़्यादा है तो हमारे दिमाग को ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, ज़्यादा सोचना पड़ता है। लेकिन अगर हम इसको हाईलाइट कर दें यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके कि ग्रेटर दैन 50, तो अब मुझे आंखों को जोर नहीं देना है, जस्ट पता चल जाएगा कि ये सारे ग्रेटर देन 50 है। इससे अंदाजा लग रहा है कि कितने ज्यादा हमारे 50 से ऊपर वाले सेल है, माने कि कितना नॉर्मल सेल है, जो ब्लैंक है नॉर्मल है, इससे एक अंदाजा लग जाता है। तो रिपोर्ट को देखने, समझने और उसको कंपेयर करने के लिए फॉर्मेटिंग का बहुत बड़ा रोल है। और नॉर्मल फॉर्मेटिंग जो है आपको जस्ट फॉर्मेट करती है, कंडीशन से मतलब नहीं, मतलब कि अगर हमने इस पे यहां से कलर कर दिया तो एक कलर हो गया, इसको इससे कोई लेना देना नहीं है कि 22 के अंदर, नहीं, J7 के अंदर 22 है या कुछ और है। बट हमें कंडीशन के साथ कलर करना होता है, हम चाहते हैं कि जो कॉलम J है उस पे कंडीशंस लगे और फिर कलर हो, अगर कंडीशन को मैच करें तो। उस केस में हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के कई सारे क्राइटेरिया है, तो आज हम आपको मोस्ट यूजेस कमांड आपको बताते हैं जो यूज होता है। तो क्वांटिटी में यहाँ पे आते हैं, हमने सिलेक्ट कर लिया। अब सिलेक्ट क्यों किया? क्योंकि जितना एरिया आप सिलेक्ट करेंगे आपकी फॉर्मेटिंग उतनी एरिया पे असाइन होगी। तो डेटा बड़ा है तो जनरली हम पूरा कॉलम ही ले लेते हैं, यार इस कॉलम के हेडिंग पे क्लिक करेंगे पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। तो यहां हम आते हैं, और यहां पे हम हाईलाइट सेल्स रूल्स पे जाते हैं। यहां पे सबसे पहले यहां पे देखिए, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन, डेट ऑकरिंग एंड डुप्लीकेट वैल्यू, राइट। तो यहां पे अगर हम बात करते हैं ग्रेटर देन, ग्रेटर देन में यहाँ बाई डिफॉल्ट 50 आ गया, तो ऐसा नहीं कि मैं 50 बोला था 50 आ गया, ये एवरेज के अकॉर्डिंग लेता। देखिए एवरेज 50 है ना इसका, तो एवरेज उठा लेता है। यहाँ पे आप अपने हिसाब से नंबर डाल सकते हैं, और यहाँ जो डिफॉल्ट कलर आता है वो कलर आप किधर से चेंज कर सकते हो, येलो, ग्रीन, रेड, तो ये प्री डिफाइंड कलर एंड फॉर्मेट होते हैं। आप चाहो तो कस्टम फॉर्मेट में जाके अपने हिसाब से नंबर की फॉर्मेटिंग, फॉन्ट की फॉर्मेटिंग, बॉर्डर, फिल, जो लेना चाहे वो ले सकते हैं। जैसे कि मैंने यहां पे ले लिया, एक कलर हो गया।
अब ये जरूरी, अब मैंने ओके कर दिया तो ये अप्लाई है। सिर्फ अप्लाई नहीं, वो हमेशा चेक भी करते रहता है। जैसे 68 मान लीजिए कि अगर ये 114 हो गया, एंटर मारते ही कलर हट जाएगा, मतलब कि फॉर्मेटिंग यहाँ से रिमूव हो जाएगी। लेकिन कहीं पे 17 है, अगर 71 हो गया तो फिर उस पर फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगा। तो ये पूरी की पूरी ऑटोमेट होती है। अब आपको यहां से रिमूव करना है तो यहां से क्लियर एंटायर शीट या सिलेक्टर से क्लियर कर सकते हैं। तो क्या क्या है इसमें? तो ग्रेटर देन किसी पर्टिकुलर नंबर से बड़ा, लेस देन किसी पर्टिकुलर नंबर से छोटा, बिटवीन किसी दो नंबर के बीच में, या इक्वल टू एक एग्जैक्ट नंबर। तो जो आपका ग्रेटर देन, लेस देन एंड बिटवीन है, इसमें आप सिर्फ नंबर, डेट एंड टाइम दे सकते हैं। जैसे आपको डेट देना है, आप चाहते हैं कि यहां पे ग्रेटर देन, मैं चाहता हूं कि 26 दिसंबर के बाद वाला हाईलाइट हो जाए, तो 26 दिसंबर 2020 हो गया सर। डेट पे भी काम करता है, बट टेक्स्ट पे नहीं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि ग्रेटर देन T2, ओके, ऐसा नहीं कर सकते। बट इक्वल टू हर एक चीज पे वर्क करता है। अब इक्वल टू बोलो T2 हाईलाइट कर देगा। अब आप इक्वल टू एक पर्टिकुलर नंबर चाहते हैं, 51, तो यहां पे आप 51 हाईलाइट कर देगा। अगर आप चाहते हैं एक पर्टिकुलर डे, इक्वल टू आप चाहते हैं कि 1 जनवरी, हाईलाइट हो गए, ओके, यहां से कर सकते हैं। बट इक्वल टू में प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम क्या होती है कि अब मान लीजिए कि ये देखिए, यहां पे दिल्ली है और कहीं पे मेरा सिटी न्यू दिल्ली है। मान लीजिए मुझे दिल्ली सिटी को हाईलाइट करना है, तो अगर इक्वल टू हमने दिल्ली कर दिया तो दिल्ली हाईलाइट हुआ, न्यू दिल्ली हाईलाइट नहीं हुआ। अगर न्यू दिल्ली करते हो तो दिल्ली नहीं होगा, बट बोथ आर द सेम। तो यही पे हम करते हैं, नीचे एक ऑप्शन आता है टेक्स्ट दैट कंटेन, टेक्स्ट दैट कंटेन, इस पे जाते हैं और इस पे करते हैं न्यू दिल्ली। हो गई न्यू दिल्ली हाईलाइट, ओके। लेकिन अगर मैं इसमें सिर्फ दिल्ली कर दूं तो दिल्ली और न्यू दिल्ली दोनों हाईलाइट हो जाएगा, ओके। हाँ, समझ गया। तो ये कंटेन क्या करता है कि जो वर्ड हमने लिखा है वो चेक करता है कि किस सेल में है, मतलब कि किसी सेल में अगर सिर्फ दिल्ली लिखा हुआ हो या दिल्ली किसी और वर्ड के साथ हो। जैसे फाइंड का काम, ऑप्शन कैसे काम करता है, सेम उसी तरह से इसका भी वर्क होता है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं डेट ऑफरिंग की। डेट ऑफरिंग, अब इसे मैंने आपको बोला कि जो डेट है, एक मिनट में डेट, करेंट डेट डाल देता हूं। ये आपका करेंट डेट आ गया। मैं तो चाहता हूं कि आज की डेट हाईलाइट हो, तो आप लोग बोलेंगे से इक्वल टू लगा लेंगे 2/15 क्या? बट ये तो फिक्स हो जाएगा ना, कल मैं फाइल खोलूंगा तो 15 ही रहेगा, परसों फाइल खोलूंगा फिर भी 15 ही रहेगा। सो हम चाहते हैं कि सिस्टम के साथ वो चेंज होता है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहां पे डेट ऑफरिंग, डेट ऑफरिंग में यहां देखिए टुडे, आज की डेट, टुमारो, लास्ट 7 डेज, लास्ट वीक, दिस वीक, नेक्स्ट वीक, दिख रहा है सर, दिस मंथ, लास्ट मंथ। तो ये सिस्टम का, अगर टुडे कर दिया तो कल 16 हो जाएगा, परसों 17 हो जाएगी, ये अपने आप को चेंज होते रहेगा, और फॉर्मेट आप यहां से चेंज कर ही सकते हैं, राइट। उसके बाद इस कैटेगरी का लास्ट आता है डुप्लीकेट वैल्यू।
ऐसी वैल्यू जो मोर देन वन टाइम है उसको हाईलाइट करने के लिए, या यूनिक वैल्यू यहां से सर्च कर सकते हैं जो वन टाइम है, दोनों यूज होता है, ठीक है सर। तो आप जैसे मान लीजिए कि मैं इस कॉलम में अपना मोबाइल नंबर लिखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मैं मोबाइल नंबर में डुप्लीकेट ना हो या अकाउंट नंबर डुप्लीकेट ना हो, तो आप जो है हाईलाइट डुप्लीकेट लगा के छोड़ दीजिए। जैसे हाईलाइट डुप्लीकेट लगा के छोड़ दिया, अब यहाँ पे हम यहाँ पे करते हैं, नीचे जैसे आएंगे ओके डाउट सर इसमें सर, जब रिमूव डुप्लीकेट करना होता तो पूरा पूरे कॉलम को सबको सिलेक्ट करके रिमूव डुप्लीकेट करना होता है ना? हाँ, रिमूव डुप्लीकेट तो हाँ करना पड़ता है, सिलेक्ट करके तो रिमूव डुप्लीकेट हो जाता है। और उसी कॉलम को पकड़ के किया तो बाकी कॉलम का कंटेंट सेम एज इट इज रह जाता है ना? जी जी जी, तो डेटा मिसमैच हो जाता है ना? जी जी, सही पर बता दीजिए जस्ट सर। यहाँ होता है डेटा वैलिडेशन, तो आगे के टॉपिक है, इस पर मैं आपको क्लास दूंगा सर। ओके सर, ठीक है, कंटिन्यू कंटिन्यू। अभी हम सीक्वेंस चल रहा है, अभी हम होम पे है, ठीक है सर। ओके सर, ओके। तो यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम एज कर लिए, ये समझ में आ गया सर आपको? हाँ सर, आ गई वाली बात। अब आता है टॉप बॉटम, इसमें से मुझे टॉप 10 को हाईलाइट करना है, टॉप 20 को या टॉप 50 को हाईलाइट करना है, आप इस पर हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहां देखते हैं बट यहां पे टॉप 10 परसेंटेज, और टॉप 10 परसेंटेज परसेंटाइल पे चलता है, परसेंटाइल को मैं समझाऊंगा तो समझा दूंगा आपको। यहां पे आता है बॉटम 10 परसेंटेज, यहां पे आप टॉप 10 एंड बॉटम 10 को कर सकते हैं, फिर टॉप 10 परसेंटेज एंड बॉटम 10 परसेंटेज दो होता है, ठीक है। उसके बाद अबव एवरेज, अब जैसे इसका जो एवरेज है 50 है ना सर, तो अगर मैंने इसको अबव एवरेज कर दिया इसमें आके, तो 50 से जो बड़ा होगा वो हाईलाइट हो जाएगा। अकल के रेट में कोई नंबर चेंज होता है तो एवरेज भी चेंज होगा ना सर, यहाँ भी कलर सेम हो जाएगा। अबव एवरेज जो डेटा सिलेक्टेड उससे एवरेज से हुआ ज्यादा तो, और बिलो एवरेज उस एवरेज से छोटा हुआ तो। ओके ओके सर, अब डेटा बार की बात करते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए मुझे पता करना है कि जो 53 है ये इसका पोजीशन क्या है डेटा में, मतलब कि हाईएस्ट में आता है, लोएस्ट में आता है, मिड में आता है, क्या आता है, क्या कंपेयरिंग कैसे करेंगे, क्योंकि डेटा काफी ज्यादा है, डेटा तो 3900 है ना। तो इसमें हम बार लगा देते हैं। डेटा बार लगते क्या होता है कि अपने आप बता देता है कि ये इस तरह से बार दिख रहा है ना, हाईएस्ट से ज्यादा है। ओके, 21 तो इस तरह से बार बना देता है। अगर मैं इसको एक अलग डेटा में समझाऊं तो आपको समझ में आएगा। जैसे नंबर आ गया तो जैसे जैसे नंबर हमारा बढ़ेगा वैसे से हमारा बार चार्ट बढ़ता जाएगा। मतलब ये 10 को मैक्सिमम कंसिडर, जो भी उस कॉलम में मैक्सिमम नंबर है उसके हिसाब से करेगा वो। जी हाँ जी हाँ, उसके हिसाब से उसको करता चला जाएगा, वो ग्राफ की टाइप बना देगा उसके हिसाब से। जी जी, जी। तो क्या अगर अब लाखों का डेटा है तो उस पे ग्राफ तो नहीं बना सकते ना, बट कंपेयर करने के लिए आपका ये है, सब चीज सेम ही है, बस अलग अलग डिजाइन अलग अलग कॉलम फीचर्स है, बाकी मेन से। और कलर्स, कलर स्केल जो दिख रहा है ना सर नीचे, उसका भी उसी तरह काम है, बट एक कलर में इंडिकेट करता है। देखिए रेड टू ग्रीन दिख रहा है सर, येलो ग्रीन, येलो जो दिख रहा है वो मिड है, और जितना ज्यादा रेड है उतना लोअर में है, और जितना ज्यादा ग्रीन है वो हायर में। ओके, इसको भी ऑपोजिट कर सकते हैं सर, 8 9 10। अच्छा अच्छा ठीक है, अलग अलग डिजाइन है, अलग अलग कलर है, और बाद में इसको एडिट भी कर सकते हैं, अपना अपने हिसाब से भी कलर दे सकते हैं, वो आगे क्लास में बताऊंगा आपको। ओके सर, फिर आपको क्लियर समझाना है तो आप आइकन सेट इस्तेमाल कर। ये आइकन सेट किस लिए सर? क्लियर, क्लियर दिख रहा है, लोअर है, मिडल है, अपर है। हाँ हाँ, इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है ना? इसमें तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है ना कि ये मिड है, अंदाजा लगाना पड़ता है ना सर। राइट सर, राइट राइट, बट इसमें क्लियर समझ में आता है, ठीक है।
ठीक है सर। तो अलग अलग ग्राफ्स है, ठीक है, इसका यूज कर सकते हैं। हाँ आई कैन क्या, हम कंपेयर के लिए भी करते हैं। मान लीजिए क्वार्टर वन का सेल है एंड क्वार्टर टू का सेल है। क्वार्टर वन में हमारा 50 है, क्वार्टर टू में 60 है, और मैं चाहता हूं कि इसको पता लगाना कि किस किस में ज्यादा सेल हुआ है, किस में कम हुआ है। तो उस केस में कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम आइकन का इस्तेमाल करते हैं। तो आइकन क्या करेगा कि इसको इस तरह से बताएगा कि 50 और 60 के बीच में कौन बड़ा है और कौन छोटा है। ग्रोथ निकाल अलग से कोई कंपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके सर, ठीक है सर। जैसे मान लीजिए एक 61 होगा, तो देखिए स्वैप हो गया, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जो आज हमने सिखाया वो मोस्ट यूजेज होता है, लेकिन इसमें और भी चीजें हैं कि आप यहाँ मोर रूल्स में जाएंगे तो और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम कल की क्लास में समझाएंगे। फिलहाल आप इस सब की प्रैक्टिस कर लें। ठीक है सर। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में। श्योर सर, श्योर, थैंक यू। ओके बाय। और YouTube देखा किस तरीके से मैंने अभी अभी क्लासेस ली है, आप ये क्लासेस हमारी इसी तरह से ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं जूम ऐप के थ्रू, जहां आप अपने हर क्वेश्चन को मुझसे पूछ सकते हैं। इसके लिए आप मेरी वेबसाइट iptindia.com पे जाएं, वहां पे डेमो क्लास का फॉर्म भर दें एंड डेली हम आपके साथ एक घंटे की क्लासेस लेंगे, तकरीबन एक घंटे के आसपास की क्लासेस हम लेंगे। लेकिन आप इतना टाइम नहीं देना चाहते हैं, आप जल्दी सीखना चाहते हैं, तो मेरे रिकॉर्डेड कोर्सेज को ले सकते हैं। इसके लिए आपको मेरा मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा। तो प्ले स्टोर में आप जाएं और एक्सेल MIS को सर्च करें। लिंक फिर भी मैंने नीचे दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप ले सकते हैं। एप्पल का भी है और इसका एंड्रॉयड का भी, दोनों का लिंक मैंने दिया हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे ऐप में आपको सारे सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, कुछ फ्री है कुछ पेबल है। तो फटाफट मेरे ऐप को डाउनलोड करें, फिर हम आगे की चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। और हाँ, एनी टाइम कोई भी डाउट हो, किसी तरह का क्वेश्चन हो, मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, स्काइप कीजिए, हमेशा आपको मैं रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।